नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास सेवन्थ का एक्सरसाइज सिक्स है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये आपका वेरिएबल्स, जिसमें अपन को डिफरेंट अल्फ़ाबेट और उनकी पावर लगा के उनमें सब करने होते हैं, और ये अपन अननोन नंबर्स के लिए करते हैं मेनली। ठीक है, अब देखो फाइव, और ये मेनली है ना, जैसे एक्स 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 सबके ऐसे टर्म है। अब ये ए स्क्वायर भी है तो वो एक्स के साथ सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है 5x प्लस 7x माइनस 6x। अब इसमें सेम है तो इनमें होगा, तो 5 प्लस 7 और ये मतलब 7 इसमें कर लो 1 और ये 6x आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इनको माइनस 1x बचा, 1x को आप केवल x भी लिख सकते हो। ठीक है, और वो उससे माइनस मतलब प्लस होगा तो 6x। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि क्या है 3/5x है, 2/3x है, और मेन -4/5x है। माइनस का ध्यान रखना। देखो अब इनका टोटल एलसीएम ले लो, कितना आएगा 15। ठीक है, अब जैसे क्या होया, इसको करोगे 9x, अब इसको करोगे प्लस है या माइनस है। ठीक है, ऐसा लगा लो। अब देखो ये 5 से होगा तो 10x, ये होगा 3 से तो 12x। अब देखो -2x, ठीक है, इससे हो जाएगा 7/15, और यहाँ x लगाना है मत बोला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब देखो 5a² b -8a² b प्लस 7a² b, ये a है। ठीक है, अब सबके ये सेम है तो मतलब क्या होता है, हमेशा सेम में करना, मतलब ऐसा ही ए स्क्वायर बी लिखा है और ए 3b लिखा है ऐसे, यहाँ मान लो 3 हो गया। ठीक है, तो है ना सॉल्व कर दिया तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखो अभी जैसा मानो ही मत, ये है कई बार ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े होते हैं, तो 5 - 8 और प्लस 7 है। ठीक है, तो -1 और ये हो जाएगा आपका 4a² b। ठीक है, डायरेक्ट सिंपल सिंपल अभी सॉल्यूशन करना, मतलब नॉर्मल प्लस माइनस है क्योंकि सेम है, लंबे वाला अभी आएंगे थोड़ी देर बाद। अभी अब देखो 3/4x² एक काम करता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर अभी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम पड़ती है ना, 3/4 + 5x, एक्स नहीं लगाना सॉरी, -3 और -1/4। ठीक है, अब देखो टोटल एलसीएम ले लो, टोटल आ जाएगा आपका 4 3 प्लस, अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों में 1 है एक तरीके से, है ना, तो वो हो जाएंगे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 12 और ये रहेगा आपका 1। ठीक है, अब सॉल्व करोगे 12 से गया 8 और फिर उसमें 3 ऐड और फिर तो टोटल मिला के आपका आ जाएगा 10 और अपॉन 4 को कुछ नहीं करेंगे और लास्ट में लगा था आपका एक्स स्क्वायर। अब मैंने जैसे हटाया वैसे मत करना बस। ठीक है, एग्जाम में दिखाना जरूरी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। अब ये एक इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और ठीक है, मतलब बड़ा है, अच्छा था। अब देखो x - 3y + 4z y - 2x - 8z 5x - 2y - 3z ये है। अब देखो हर जगह x y z ऐसे हैं, तो अपन को क्या करना है, x की टर्म अलग लेनी है, x की टर्म अलग लो। ठीक है, एक आपके पास ये x की टर्म है इतनी, तो उनको अलग रखना है, y की टर्म में उनको अलग रखो, z की टर्म में उनको अलग रखो। तो अपन को क्या करना चाहिए, जैसे एग्जाम पेपर में कई बार करने नहीं देते, बाकी है ना मार्क करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये रहा एक x, दूसरे में देखो ये रहा, तीसरे में देखो ये रहा, अब मार्क कर लो, एक ब्रैकेट लगा लो। चलो आप ब्रैकेट लगा लेना बेस्ट, समझ में आ जाता है ये एक्स का ये वाई का, ये मैंने कॉमन लगाए थे अपने कॉपी वगैरह में जब मैंने किया था। अब आपको ब्रैकेट लगाते थे ना, जिससे वो आपको ये ना हाईलाइट हो जाएगा कि ये एक्स का टर्म है ये वाई का टर्म है। ठीक है, एक्स, अब देखो यहाँ माइनस है, ये माइनस इसके साथ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना -2x और वहाँ पे बस कुछ नहीं है तो +5x,
ये आ गया अपना ब्रैकेट। अब देखो इनमें अपन ने सर्कल किया था, अब अंडरलाइन करो वाई वालों को। 3y केवल y और 2y। अब यहाँ अपना ब्रैकेट माइनस 3y प्लस y और माइनस 2y। अब जैसे मान y का मतलब होता है मतलब एक y पूरा, ठीक है, मतलब अभी सॉल्व करना सॉरी। अब यहाँ पे आ जाओ, अब जो बच्चे 4z 8z और 3z है, देख लो 4z 8z 3z ओके, 4 प्लस का ओके 4z सॉरी प्लस लगेगा सॉरी, यहाँ तो माइनस का है यार, 8z और ये माइनस 3z, ठीक है। अब देखो इनको अलग अलग सॉल्व करना है, और जैसे इनका एक आंसर आ गया, ये इसका अलग इसका अलग इसका अलग, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं उन सबको आपने मिक्स करके सॉल्व कर, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे बस इसका अलग आंसर आ गया, इसका अलग आ गया, इसका अलग आ गया, ये सोचो तीनों अलग क्वेश्चन है जो अपन ने स्टार्टिंग में किए थे ना, वैसे अब उनको बांट दिया है। अब वो आंसर निकाल लेंगे इससे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, उसके बाद आगे प्रोसेस निकलने में मार्क्स मिल जाएंगे। x माइनस 2x प्लस 5x, इससे घटाया बचे 3x, इससे करा 4x, ठीक है 4x आ गया। इसमें y है, ये 1y हो जाए, माइनस y हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस 4y। रुको रुको एक सेकेंड, y का ये है माइनस का y है नॉर्मल, और माइनस 3y तो 4 ही आएगा। माइनस 2y, हाँ ठीक है वैसे सही है। वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि कई बार क्या होता है अपन देखते हैं तो है ना, मेरे साथ है ना, मैंने जब पहली बार किया था ना, जब मैं छोटा था तब मैंने किया था, एक साल पहले शायद या फिर कुछ महीनों पहले, तो मेरे से सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती थी कि वो अक्षर मतलब मैं 2 का 3 लिख देता, माइनस का प्लस लगा देता, और एग्ज़ाम में भी सबसे यही मिस्टेक होती है मेनली। तो मैं चेक कर रहा था कि मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊँ, तो ये माइनस 4y आ जाएगा। और हाँ y x ये अच्छे से मार्क करना, जैसे यहाँ 4 आया या माइनस का है, ये माइनस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसको ध्यान रखना। अब देखो ये 4z जो है ये आपका प्लस का है, माइनस 8 और ये है, अब देखो क्या है, जैसे माइनस 3z है, इसको इसके पास ले जाओ तो बचा z, और ये माइनस हो गया तो ये हो बचा आपके पास माइनस 7z। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लो, जैसे ये हो गया, मतलब अपन ने ब्रैकेट सॉल्व किया, ये आ गया, ब्रैकेट में रखना चाहिए रख लो, कॉमा लगाना चाहिए कॉमा लगा लो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपन ने क्या देखा, अपन ने वो क्वेश्चन देखा था, अब बाकी के दो क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही थे, और ऐसे दो क्वेश्चन थे इसी वाले, तो दो थे तो मैंने अगला वाला उठा लिया, तो अगर वो वाला करने की आप कमेंट करो तो वो कर दूंगा, बाकी तो बाकी आप ये समझ लो, मेन तो समझ जाओगे, इजी है। अब देखो अब इसमें आपको फ्रैक्शन में मिला है, क्या मिला है फ्रैक्शन, तो इसको देख के अपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये वाला जो है ये होता है अपने प्लस का, ठीक है, यहाँ लग जाता है ब्रैकेट, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट खोलोगे तो सेम सिचुएशन ही मिलेगी, कॉमन नहीं मानो आपका, ये 8/5x प्लस 11/7y प्लस 9/4xy प्लस नहीं माइनस है माइनस 3/2x माइनus 5/3y और माइनस 9/5xy। बस एक फ्रैक्शन सॉल्व करने का अलग हो जाता है, बाकी तो वही है। देखो मैंने जो बताया था सर्कल लाइन और नथिंग वाला वो बेस्ट है, एक्स वालों पे सर्कल कर दो, वाई वालों पे लाइन कर दो, और एक्स वाई अलग दिख ही जाएंगे। तो देखो इनको रख लेते एक साथ, ये और कौन है और ये रहे, अब देखो ये और ये और ये बाकी के नथिंग, ठीक है। अब इनको लेंगे हम एक ब्रैकेट में, 8/5x जो है माइनस 3/2x
ठीक है, सेकंड ब्रैकेट होगा आपका 11/7y, ओके, और ये हो जाएगा -5/3, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट होगा आपका 9/4xy -9/9, ये है अपना 5xy, मैंने थोड़ा सा 5 ऐसा बना दिया अंदर सा। अब देखो इनके वो आपको वो सेम करना है, ये हो जाएगा 10 8 16x -5 3 15 यहाँ आपका x, ठीक है, तो ये 1/10x आ जाएगा, और इसको आप x/10 भी लिख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं है, तो x/10 मेनली लिखते तो ये लिख देता हूँ, ठीक है, x/10, ठीक है। अब इसमें एक लाइन खींच दो, अभी आप मत खींचना, आपके तो पेपर में जगह रहेगी, मेरे नहीं, इसलिए मैंने वो आप कंफ्यूज हो जाएगा, गुच्छ हो जाएगा थोड़ा। अब देखो 7 और 3 का करोगे तो 21, ठीक है, तो ये हो जाएगा 23, नहीं नहीं ये हो जाएगा 33, ओके 33 हो जाएगा y, ये है 7 5 35 y, तो कितना बचा आपके पास, 2 बचा, -2y/21, ठीक है। अब इस सिचुएशन में y ऐसा आता है 2 -2/21 साइड में, क्योंकि 1 का मतलब तो वैसे ही, मतलब वो अकेला भी 1 को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन 2 को नहीं कर सकता ना, तो इसलिए अपन 2 लिखते हैं, ये डिफरेंट स्क्वायर रख देता हूँ। अब एक और लाइन, अब देखो 4 और 5 है, इसका सबको पता है 20 हो जाता है, ठीक है। अब 9 5 45 -36, हाँ, और ये एक्स वाई आप एक्स्ट्रा या साइड में लगा लो, अगर यहाँ लगाना भूल जाओ तो, ठीक है, मैं जैसे भूल गया हूँ अभी। अब ये हो जाएगा आपका 9/20, ये 9 का इधर डिफरेंस है, सेम देखो ये है ना 45 है, ये 36 है, 9 का इधर डिफरेंस होगा, और ये एक्स वाई लगा दो बस, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, वो दोनों भी सेम थे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन, तो आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो, -8xy फ्रॉम 7xy, ये दिख रहा है फ्रॉम, ये एक फ्रॉम है, यहाँ पे है, ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, उस पर ध्यान मत देना, ये फ्रॉम है, ठीक है। तो फ्रॉम जो है वो क्या करता है पता है, ये कुछ खतरनाक आदमी, ये इसको इधर भेज देता है और इसको इधर भेज देता है, पलट देता है गेम पूरा, ठीक है, ये याद रखो, फ्रॉम हमेशा इसको इधर और इसको इधर रख देता है, ठीक है, ये पलटू इंसान है, ठीक है, ये मेरा इरेजर साइड में रख दिया। अब देखो इसको समझ गए अब हम, अब देखो मेन पार्ट, 8x और ये है, तो ये शिफ्ट होंगे, मैंने बता दिया, तो 7xy माइनस फ्रॉम में, फिर वो माइनस भी होता है वो फ्रॉम, ये याद रखना, फ्रॉम का अलग माइनस है, इसका अलग माइनस है, तो इसके माइनस के लिए स्पेशली ब्रैकेट लगेगा, बाकी की इंटीजर्स तो पढ़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, 7xy + 8xy = 15xy, चौथी के लिए। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लेंगे नई चौक, ये उठा ली मैंने अपनी नई चौक, अब देखो यहाँ से गेम पलटेगा, मतलब एक्सचेंज होंगे, तो -3x² जो है वो हो जाएगा माइनस, और एक्स स्क्वायर तो अपना प्लस का था, तो उसकी दिक्कत ही नहीं, वो माइनस में हो जाएगा, तो ऐसे लिखोगे तो -x² है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, तो ये मैंने बताया था ऐसे 1 को रिप्रेजेंट करता -1x², तो आपका आंसर आ जाएगा -4x². बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दोस्तों, अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आइए शुरू करते हैं। अब देखो फ्रॉम गेम बदल देता है, इतना पता है अपन को,
और माइनस लग जाता 4y-5x ब्रैकेट में -x -y। अब देखो बाहर माइनस है तो अपन लिखेंगे 4y-5x -x + y। तो प्लस वाई यानी 1 + 4 5y और ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस 6x। आगे आंसर ये है 5y और -6x। ठीक है, वो थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होता। अब देखो ये देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन, ये कट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोगों ने कुछ है ना बिना सॉल्व करे कुछ अजीब सा सोचा होगा, लेकिन मेन सॉल्यूशन जो है वो सोचो। देखो पहले तो फ्रॉम को इधर का इधर लेना है, वो प्लस माइनस की मेन गलती होती है इधर, वो बिल्कुल मत करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये साथ में है और ये हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए तो माइनस 12 है ना, मैं एक वर्सेस स्किप कर रहा हूँ, वो आप मत करना, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्लस 2ab। अब देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, ऐसे हो रहेगा। तो ये ऐसे कट जाता है, ये वेरिएबल का रूल है, कट जाता है। अगर ये प्लस पे ये माइनस करो तो कटेगा ही, वैसे भी प्लस 1 और माइनस 1 करोगे 0 ही तो बचेगा, इसलिए। अब प्लस 2ab और प्लस 2ab तो प्लस 4ab, और प्लस की ज़रूरत नहीं है, 4ab, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो आइए शुरू करते हैं। अब अपन को क्या करना है, जैसे सब्ट्रैक्ट करना है इस ब्रैकेट को इन तीनों ब्रैकेट के सम से, ठीक है, क्वेश्चन ढंग से समझ लिया। अब देखो और यहाँ यहाँ याद रखना, फ्रॉम से ही सब्ट्रैक्ट करना है इसको, ऐसे नहीं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, मतलब वो चेंज भी होगा लास्ट में, वो अभी दिखाता हूँ मैं। अभी देखो ए प्लस 3b यहाँ पे ही कर लेता ना यार, यार रुमाल का है, इसको ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लगाएंगे प्लस और प्लस, यहाँ जगह कम पड़ जाती इसलिए यार। अब देखो यहाँ एक ए है, यहाँ एक ए है और यहाँ एक ए है, ब्रैकेट इनका पहले ले लो, ए प्लस 4a-a, ठीक है। वैसे ये ऐसा काट दे गए हैं, ठीक है, अभी काट दे, सॉरी, मतलब वो कटते दिख रहे हो तो काट दो ना। अब देखो बी के, देखो 3b, ठीक है, -b और प्लस 3, 2b है, सॉरी -2b है। और वो अब देखो ये दोनों प्लस होएंगे तो ये -3 भी हो जाएंगे, तो ये भी आपस में कट गया ये ब्रैकेट पूरा ही, ठीक है। इसमें तो फिर भी बचा है -4 है अपना, हाँ सॉरी प्लस का 4 है यार, हाँ। अब देखो -4c + 9c, ये माइनस का, ठीक है, 9c और +3c। अब देखो 3c से इसका है ना मुकाबला हुआ तो इसका बचा -c, ठीक है, और फिर ये इससे गया तो बचा 8c, ठीक है, तो आ जाएगा +4a और आ जाएगा आपका पूरा जैसे कि +8c, वो मैं 20 से चल रहा है। अब देखो 4a + 8c, ठीक है, +4a और +8c है, ये है अपने पास। अब इसको अपन को ले करके सॉल्व इससे करना है। तो देखो फ्रॉम करोगे तो ये वाला ब्रैकेट इस साइड और ये वाला ब्रैकेट इस साइड, ठीक है, तो 4a + 8c एक ब्रैकेट इस साइड, माइनस करोगे 2a - 3b + 4c, इनके पूरे चेंज होंगे 4a + 8c - 2a + 3b और -4c। अब देखो ये है और ये है तो इसका आंसर आपको टोटल मिला के क्या आया, 4c, सिंपल, ठीक है। ये है तो आंसर आया 2a, ठीक है, और ये 3b अकेला है, बी का कोई नंबर ही नहीं है, तो ये है आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 का,
आइए इसको देखते हैं, ये मैं लास्ट बनाऊंगा क्योंकि फिर इसके बाद सेम ही है, तो फिर आप देख लेना। वैसे ही ये सबसे हार्ड वाला था तो मैंने इसको चुन लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। अब देखो माइनस टू क्या है, जैसे माइनस टू यहाँ है तो ये एक स्पेशल है क्योंकि ये ब्रैकेट है, ये है ना, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ नहीं है, तो ये है ना इन तीनों से इनटू होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई का रूल पता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स लगेगा तो वन है, तो फिर एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का है ये अपने, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री अपॉन टू, और ये प्लस का है तो ये प्लस और माइनस माइनस थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का है, नहीं ये माइनस का है, हाँ तो ये देखो ये माइनस का, सॉरी वो थोड़ा सा स्लिप हो गया था, हाँ तो माइनस थ्री टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा माइनस थ्री अपॉन टू और ये वन, ठीक है तो वन को अपन क्या मान सकते हैं, टू अपॉन टू, और इससे कटेगा तो माइनस वन अपॉन टू, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाले पार्ट का आंसर। जो आपका ये थ्री अपॉन टू है ये इसकी कोई बिरादरी का ही नहीं है, तो ये पहले से इसका आंसर है। और एक्स स्क्वायर वाले का क्या करेंगे, माइनस एक्स और माइनस एक्स अपॉन टू, एक्स बाहर निकालना है, ये एक्स आ गया बाहर, माइनस वन और माइनस वन अपॉन टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टू अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू एक्स आ जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ अपना ये वाला एक्सरसाइज खत्म होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, तब तक के लिए बाय।